अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर् धनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च सेड्ते ह या ततायिनः। हेलो व्यूअर्स, मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लॉ में आईपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं। मूल रूप से एक आपराधिक विधि और एक दीवानी विधि अर्थात सिविल लॉ चलता है हमारे यहाँ। तो जैसे हम जब आईपीसी पढ़ते हैं तो भारतीय दंड संहिता 1860, तो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि अच्छा 1860 के पहले क्या, 1860 के बाद के समय के लिए तो आईपीसी है, लेकिन उसके पहले क्या? क्या अचानक से एक दिन लॉर्ड मैकाले पैदा हुए, उन्होंने आईपीसी को लिख दिया या जैसा भी हो उसको बना दिया अचानक से? तो उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या थे? तो खैर, हमारी जो आईपीसी बनी है वो मूल रूप से ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, तो उधर नहीं जाते हैं। अभी आज का विषय ही कुछ अलग तरीके का है। ये वशिष्ठ स्मृति से लिया गया एक श्लोक है जिसके माध्यम से मैं केवल आपको दंड की धारणा समझाना चाहता हूँ। मूल रूप से हमारे आईपीसी में जो व्यक्ति आईपीसी को वायलेट करता है, उसका दुरुपयोग करता है या उसमें जो बातें लिखी हैं उसको नहीं मानता, उसको हमारी आईपीसी सजा सुनाती है। फला इतने 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 समय के लिए जेल में कारावास। कारावास सादा होगा, कठोर होगा, निर्भर करेगा आपके दंड की या आपके अपराध की प्रकृति पर। तो ऐसा पीछे कभी कुछ हुआ है क्या? हमने ये चीज़ कहाँ से ली? हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए? क्या 1860 के बाद ही सारे क्राइम बढ़े, सब कुछ फैला? तो ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीयों का इतिहास बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही रिच है। तो उन्हीं इतिहास के कुछ पन्नों से ये कुछ श्लोक लाए गए हैं, इनको समझिएगा। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर् धनापहः, इन शब्दों को समझते हैं। अग्निदो का मतलब होता है आग लगाने वाला। दूसरा, गर्दश्चैव का अर्थ होता है विष देने वाला। और फिर यहां पे तीन और चार ये कॉमन है। शस्त्र पाणिर् धनापहः, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ अर्थात तैयार हुआ है, खड़ा है, मार ही देगा वो। और धन छीनने वाला, जो किसी का धन छीन ले, चुरा ले किसी भी तरीके से। फिर उसके आगे क्षेत्र दारा पहरता, अर्थात क्षेत्र का मतलब जमीन, दारा का मतलब स्त्री, इनका हरण करने वाला अर्थात किसी की जमीन छुड़ा लेना, किसी के धन सब, किसी के घर में कब्जा कर लेना, किसी के खेत में कब्जा कर लेना, और स्त्री का हरण करने वाला। अब स्त्री का आशय यहाँ, स्त्री किसी भी स्वरूप में हो सकती है, आपके माँ के रूप में, आपके बहन के रूप में, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी बेटी के रूप में, किसी भी रूप में स्त्री, स्त्री शब्द का संबोधन है यहाँ पे। किसी भी, जैसे हमारे पीसी में पढ़ते भी हैं, किसी भी आयु की महिला स्त्री शब्द का द्योतक है। सेम यहाँ पे भी वही आशय है। च सेडते हया ततायिन, इन सब को मिला के, इन शब्द को मिला के जो एक शब्द बना जिसका स्पष्ट उल्लेख आईपीसी में तो कहीं नहीं है, इस शब्द का आतताई शब्द। ये शब्द ऐतिहासिक शब्द है, सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है ये, हमारे लॉ में ये शब्द नहीं चलता है। लेकिन इस शब्द के जो अर्थ हैं वो हमारी आईपीसी के द्वारा कवर्ड है। ठीक, आग लगाने वाला रजिस्ट्रीकारित करिए आईपीसी में। दूसरा, विष देने वाला 302। अगला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, हमला, उपहति, ये सब इसकी कोटि में आ रहे हैं। धन छीनने वाला, चोरी लूट उद्यापन। फिर जमीन छीनने वाला, ये भी है हमारे आईपीसी दंड विधान में, इसका भी प्रावधान है, फिर सिविल से मामला जुड़ जाएगा। स्त्री का हरण करने वाला, अबडक्शन, किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट, सब कुछ। मतलब ये शब्द नहीं दिया है आईपीसी में, लेकिन इस शब्द के जितने आप अर्थ लगा सकते हो, जिन जिन स्वरूपों में समझ सकते हो, हमारी आईपीसी में वो सारी बातें दी गई हैं। तो एक ये श्लोक के माध्यम से मैं अपना जो हमारा लॉ का, क्रिमिनल लॉ का जो इतिहास है, उसको थोड़ा सा पकड़ने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए एक छोटी सी जानकारी थी, ये मैंने आपसे शेयर करी है। तो हमारे साथ आप स्टे ट्यून रहिए, फिर किसी नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।